अच्छा, हम ये देखें, हमने इन्वर्जन इन्वर्जन क्या होती है, एक्सटेंशन वगैरह ये हमने देख लिया। अब इसको मैं 3D में जाकर सारा कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। अब जो नर्व सप्लाई है, ये नर्व अलहदा भी टॉपिक कवर करूँगा इंशाल्लाह, लेकिन इसमें हम ये देखने कि एक ही नर्व सप्लाई जा रही है, डीप फेबुलर नर्व, ठीक है ना। कौन सी है? डीप फेबुलर नर्व। आपने एक ही लफ्ज़ है, उसको याद कर लें, ठीक है। इधर हमारे पास फेबुलर बोन होती है, इसको फेबुलर के साथ करके याद रख लें। कैंटीरियर कंपार्टमेंट अलग को कौन सी नर्व जाती है? डीप फेबुलर नर्व, ऐसे बस रट्टा मार लें। लेकिन ये उसमें नार्वल में जब सुनेंगे ये वैसे नहीं भूलेगा, अगर यहीं से रट्टा मारना चाहें तो डीप फेबुलर नर्व याद कर लें तो नहीं भूलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब हम 3D की तरफ जाते हैं, इस सारे को एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास पहला मसला है टीबियलस इंटीरियर। ये देखें, हमारे पास लैटरल सर्फेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द फेबुला, लैटरल सर्फेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ सॉरी टिबिया, ये टिबिया बोन है ना, बहुत सारी। देखें ये अब एंटीरियरली जोन सा होता है, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग में हमारे पास ये फ्री जगह है, ठीक है ना। ये थोड़ी सी इधर लैटरल करके मसल हमारे पास स्टार्ट होते हैं, फिर यहाँ से आगे हमारे पास यहाँ फेबुला होती है, वहाँ से अटैचमेंट होगी। तो लैटरल सर्फेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द टिबिया से लेकर ये हमारे पास कहाँ पर इंसर्ट हो रहा है? बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल, ये हमारे पास मेटाटार्सल बोन है, ठीक है ना, ये उसकी बेस है वहाँ पर। और मीडियल क्यूनिफॉर्म, ये जो हम बोन रखते हैं तीन, जहाँ ये मीडियल क्यूनिफॉर्म है, या बोन्स वाले जो एक दो तीन की मिनट की वीडियो वो जाकर सुनेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मीडियल क्यूनिफॉर्म और बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल बोन, ठीक है। यहाँ से हमारे मसल देखिए, यहाँ से शुरू हो रहा है और इस साइड इसका जो टेंडन है थोड़ा सा इस साइड चला मूव कर जाता है मीडियल साइड पर, ठीक है ना। इसलिए बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल बोन और मीडियल क्यूनिफॉर्म, टेंडन कहाँ मूव कर जाता है? थोड़ा सा मीडियली करके। अब इसका फंक्शन क्या है? अब ये देखें जो है ना, हमारे पास फुट को क्या करवाएगा? एक्सटेंड करवाएगा एट द लेवल ऑफ द एंकल जॉइंट। एंकल जॉइंट यही होता है ना, यहाँ पर जो इस बोन्स की वजह से बन रहा होता है, तो ये हमारे पास एक्सटेंशन हो रही है। देखें ये खींच रहा है पीछे की तरफ इसका टेंडन, तो एक्सटेंड द फुट एट द एंकल जॉइंट। और इन्वर्जन करवाता है, इन्वर्ट द फुट एट द सेप्टल एंड द ट्रांसफर ट्रस्ट, जो वीडियो वन में मैं आपको जॉइंट के बारे में बता चुका हूँ। और इन्वर्जन होगी कि ये जो सोल ऑफ फुट है ना, इसको मीडियल एक्सिस की तरफ मूव करवाएगा, ऊपर वाले को इस तरफ मूव करवाएगा। इसको देखते हैं, ये देखिए हमारा सोल ऑफ द फुट मीडियल साइड पर, ये टीबियलस इंटीरियर मसल ही दिखाया गया इसमें, तो ये मीडियल साइड पर जा रहा है, ठीक है ना। इसको कहते हैं इन्वर्जन एट द फुट एट द सब टैलेंट ट्रांसफर टैलेंट। ये वीडियो वन में आप देख लीजिए कि जॉइंट क्या होता है, ठीक। अच्छा, तीसरा काम जो है ना हमारे पास टिबियलस इंटीरियर का, वो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च को ना सपोर्ट करना होता है। ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्चिस जो होते हैं, ये एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन होगी इंशाल्लाह, लेकिन आप इधर याद रख सकें कि इस तरह मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च होती है, ठीक है ना। तो ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि मीडियल साइड पर जाकर इंसर्ट हो रही थी मीडियल क्यूनिफॉर्म एंड फर्स्ट मेटाटार्सल की बेस पर, तो इसलिए यहाँ पर इसको सपोर्ट करती है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च को, ठीक हो गया। एक मसल हो गया, अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो सुपरफिशियल एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग में जो सुपरफिशियल मसल होते हैं, उनमें दूसरा मसल सुपरफिशियल होता है, ये एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या था? टिबियलस इंटीरियर और एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। तो ये देखें, ये एंटीरियर सर्फेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द फेबुला, एंटीरियर सर्फेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द फेबुला, ठीक है, जहाँ पर रेड निशान लगा हुआ है, ये यहाँ से ओरिजिनेट होता है और हमारे पास जाकर जो इसकी इंसर्शन है, और जो इसकी इंसर्शन है वो टेंसर एक्सपेंशन ऑफ द लैटरल फोर्टोइस, ये लैटरल फोर्टोइस पर और डिस्टल फैलिंग्स पर जाकर लगा। यहाँ पर नीचे हमारे पास थिक फैशिया होता है, उस पर जाकर लगता है बस। अब ये एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ द लैटरल फोर्टोइस पर जाकर ये इंसर्ट होता है। अब इसका फंक्शन जो था वो भी यही होगा कि ये हमारे पास एक्सटेंशन करवाएगा इंटोइस भी, जहाँ पर इंसर्ट हो रहा है, क्योंकि हम जो फुट में हम इनको टोस बोलते हैं ना, तो लैटरल फोर्टोइस की एक्सटेंशन करवाएगा, इनके पीछे की तरफ ऐसे खींचेगा, और यहाँ पर एंकल जॉइंट की भी एक्सटेंशन करवाएगा। एक्सटेंशन आपको टीबियलस इंटीरियर में मैं दिखा चुका हूँ कि क्या होती है, ठीक है ना, सही। अच्छा, अगला मसल है एक्सटेंसर हॉलिसिस लॉन्गस, ये भी एंटीरियर सर्फिस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द, ये देखें फेबुला से हमारे पास ओरिजिनेट हो रहा है, सॉरी एक मिनट, ये देखें ये यहाँ पर रेड पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है ना, ये आप यूँ करके देख सकते हैं, ठीक, ये देखें सही। अब इसकी ये जहाँ रेड पॉइंट, एंटीरियर सर्फिस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द फेबुला, अब इंसर्ट कहाँ होगा? अब ये इंसर्ट होगा हॉलिसिस से, हमारे पास ये बिग टॉयज जो होता है वो लेते हैं ना, तो डिस्टल फैलिंग्स ऑफ द बिग टॉयज पर, हमारे पास बेस ऑफ द डिस्टल फैलिंग्स पर ऑफ द टॉयज पर जाकर इंसर्ट होगा, ठीक होगी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये लैटरल से मीडियल साइड पर आकर इंसर्ट हो रहा है, इस बात का